नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें जो डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नीट केस, लातूर का शिक्षक गिरफ्तार, दूसरा हिरासत में। स्कॉलरशिप के लिए 30 तक फिर से अर्जी भर पाएंगे छात्र। 5 राज्यों में जांच संभाली, राज्य में भी जल्द दस्तक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नीट केस, लातूर का शिक्षक गिरफ्तार, दूसरा हिरासत में। ATS ने लातूर में जिला परिषद स्कूल के एक शिक्षक जलील खान पठान को नीट UG पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे सहयोगी संजय जाधव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उनके सहयोगी इडनास मासनाजी कोंगलवार और दिल्ली के गंगाधर फरार है। चारों के खिलाफ नए पेपर लीक निरोधी कानून सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। सोमवार को पठान को अदालत ने 2 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि जलील खान पठान को रविवार देर रात गिरफ्तार किया गया, जबकि संजय को सोमवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पठान लातूर जिले के कातपुर जिला परिषद स्कूल के प्रधानाध्यापक है और सोलापुर के जिला परिषद स्कूल में शिक्षक संजय जाधव लातूर के रहने वाले हैं। दोनों निजी कोचिंग संस्थान चलाते हैं। लातूर SP कार्यालय ने कहा, ATS को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति पैसे के बदले नीट उत्तीर्ण कराने के लिए गिरोह चला रहे हैं। ATS ने शनिवार रात पूछताछ के लिए जाधव और पठान को लातूर से हिरासत में लिया। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। स्कॉलरशिप के लिए 30 तक फिर से अर्जी भर पाएंगे छात्र। महाDBT पोर्टल पर राइट टू गिव अप विकल्प का चयन करने से जो विद्यार्थी शैक्षणिक छात्रवृत्ति से चूक गए हैं, उन्हें फिर से छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सामाजिक न्याय विभाग ने संबंधित आवेदन को वापस करने के विकल्प के लिए 30 जून तक की डेडलाइन दी है। राज्य सरकार ने इस वर्ष पहली बार छात्रवृत्ति लाभार्थियों को स्वेच्छा से अस्वीकार करने राइट टू गिव अप का विकल्प दिया था। कुछ विद्यार्थियों ने गलती से इस विकल्प को चुन लिया, इसके चलते उनकी छात्रवृत्ति को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। इस संबंध में विद्यार्थियों के साथ साथ राज्य भर के जनप्रतिनिधियों की ओर से भी सरकार से मांग की गई थी कि इन्हें छात्रवृत्ति का लाभ मिलना चाहिए, रिवर्ट बैक करना होगा। सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग के सचिव सुमंत भांगे ने बताया है कि इस प्रक्रिया को पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी विद्यार्थियों पर होगी। आई बढ़ते अगली खबर की ओर। 5 राज्यों में जांच संभाली, राज्य में भी जल्द दस्तक। CBI ने नीट UG में धांधली के 5 नए मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली। इन मामलों की जांच गुजरात, राजस्थान और बिहार की पुलिस कर रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से व्यापक जांच के लिए संदर्भ जारी किए जाने पर CBI ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वह अब कुल 6 मामलों की जांच कर रही है। नीट 5 मई को 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिनमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे। परीक्षा में 23 लाख से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे। CBI अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी ने गुजरात और बिहार से एक एक मामला और राजस्थान से 3 मामलों को प्राथमिकी के रूप में फिर से दर्ज किया है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर से एक और मामले की जांच भी CBI के अपने हाथ में लेने की संभावना है। हालांकि CBI अधिकारियों का मानना है कि बिहार को छोड़ अन्य 4 मामले परीक्षार्थी की जगह अन्य व्यक्ति द्वारा परीक्षा देने तथा स्थानीय अधिकारियों, निरीक्षकों और परीक्षार्थियों द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित छिटपुट मामले प्रतीत होते हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस YouTube पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार।